पर एक फंक्शन fx डिफाइन किया गया है जो 0 से x x2 t2 gt dt इस तरह से दे रखा है और g जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है तो हमें बताना है f प्राइम x क्या होगा तो f प्राइम x का मतलब हुआ हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपको लेबनिज़ रूल को यूज करना होगा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी f प्राइम एक्स इक्वल्स टू यहां पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल को चेंज करना होगा अपर लिमिट से तो तो x x, x x जगह ले लेगा जी टी ये हो जाएगा और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव यानी कि वन तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फाइनली हमारा जीरो हो जाएगा ये टर्म हमारी जीरो हो गई माइनस सेम वर्क करेंगे लोअर लिमिट के लिए और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव तो लोअर लिमिट जीरो है तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा तो एंटायर टर्म जो होगी वो जीरो को चली जाएगी प्लस ये इंटीग्रल होगा जीरो से एक्स डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स जो यहां पर विद लिमिट में इंटीग्रल के लिमिट में होता है उसके रेस्पेक्ट में लेते हैं और एक्स स्क्वेयर माइनस टी जी टी डी टी हमें ये लिखना होगा तो यहाँ से f प्राइम एक्स जो इक्वल है वो किसके है फाइनली लास्ट टर्म के यानी कि जीरो से x टू एक्स जी टी डी टी और इसको मैं लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ टू एक्स जीरो से x जी टी डी टी इस हिसाब से मेरा ऑप्शन डी करेक्ट होगा